आप पास करा के तो हूँ हाई हाई कर आ गए सारे पंजाबियों नूं पता है उन्हां दी जिहड़ी दोहरा चेहरा सीगा अज एक्सपोज हो गया। उहदी रीढ़ टुट्टी पई है इन्नी ब्रूटली उन्हूं मार दिता जाता है तो सरकार ही कुछ एक्शन नहीं लैंदी। 15-15 दिन बाद तुसीं जागते हो एफ आई आर होंदी है संस्कार बगैर परिवार की शमूलियत तो बगैर हो जाता है। ये तो अंग्रेज़ों को तुसीं पिछे छड्डो कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने राहुल गांधी के पंजाब दौरे को लेकर कहा है कि राहुल गांधी मोगा के पिंड बदनी कला तो अपने प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे जो कि पंजाब के वख-वख पिंडों तो हुंदा होया हरियाणा जाएगा। अकाली दल वालों किसानों के समर्थन करने के सवाल से आशू ने कहा कि अकाली दल का दोहरा चेहरा बेनकाब होया। यूपी के हाथरस च वापरी घटना संबंधी आशू ने कहा कि मोदी सरकार संविधान विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही है भावें वह खेती कानून का मसला हो फिर कोई होर। किसान कभी भी पंजाब सरकार ने खास तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने रोलन नहीं दिता एक लफज ये रोलना सेंटर लेवल पे केंद्र लेवल सेंटर ने जी वधीकी करी है ये तीनों ही बिल लिया के पहले ऑर्डिनेंस लिया फिर बिल लिया उन्हें करके रिजेंटमेंट है उन्होंने एक सोच बनी हुई है भी यदि दूर अंदेशी रिजल्ट ये किसानी वास्ते बहुत माड़े होंगे वो वास्ते किसान सड़कों पर एजुटेट कर रहा सारिया पार्टियां उन्हों की मदद कर रही हैं पंजाब सरकार क्योंकि ये कला मुद्दा किसानी नाल नहीं क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है तो सारी इकोनमी एग्रीकल्चर बेस्ड है ये पंजाब के उत्ते बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा पंजाब की किसानी दे नहीं पंजाब की आर्थिकता से भी तो पंजाब सारे सूबे के उत्ते बहुत असर पेगा इस करके पंजाब सरकार भी अलग अलग रूप च अपने देख रही है कि ऑप्शन होनी चाहिए इन रोकने वास्ते चाहे कोई लीगल ऑप्शन हो चाहे कोई राजसी ऑप्शन हो सारे ऑप्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई सारे देखांगे इनू हर हीले रोकया जाएगा जिहड़े तीनों बिल है लागू होंगे। तो श्रोमणी अकाली दल बड़ा हाँ का नारा ला रही है असी रिजाइन देता जां होर किसे बारे की कहना चाहोगे की ये ठीक आप पास करा के तो हूँ हाई हाई करन आ गए सारे पंजाबियों नूं पता है उन्हां दी जिहड़ी दोहरा चेहरा सीगा अज एक्सपोज हो गया। तो जिहड़े बलात्कार दे इहदे विच राहुल गांधी जी नाल वधीकी आई उहदे बारे ओह तां जिस तरीके मैं तुहानूं दस्सिया उन्होंने सारियां जिन्हां कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा है सारिया बीजेपी ने छिक्के ते टंगिया हुई हैं चाहे ये बिलों या कुछ होर लेबर लॉज होने यह जो बिलों पास कराने का मसला हो राज्यसभा जिथे बीजेपी को बहुमत नहीं है उत्थे किस तरीके पास कराए गए दो दिन बिल सारी अपोजिशन बाहर कढ के बगैर सुने बगैर वोटिंग करवाए पास जबरदस्ती कराए उस तरीके अपोजिशन की अज आवाज़ मैं तो थोनू भी कहना कहना चाहूँगा सारे पत्रकारों कहना चाहूँगा तुम अपना धर्म निभाओ पूरा अज अपोजिशन की आवाज़ नी प्रॉपरली टीवी पर लैके नहीं आते अपने चैनल के माध्यम राही सरकार के कन्ना च पहुँचाओ ये जी दमनकारी नीति है ये तो अंग्रेज़ों को पिछे छड़ के इस तरीके कि कोई दलित लड़की वो बलात्कार हों सरकार ही कह दिंदी है कुछ नहीं होया जी रीढ़ टुट्टी पई है इन्नी ब्रूटली उन्हूं मार दिता जाता है तो सरकार ही कुछ एक्शन नहीं लैंदी। 15-15 दिन बाद तुसी जागते हो एफ आई आर होंदी है संस्कार बगैर परिवार की शमूलियत तो बगैर हो जाता है ये तो अंग्रेज़ों को तुसी पिछे छड्डो जे उत्थे कोई अपोजिशन आवाज़ चकदा है तो उन्हूं किस तरीके ट्रीट किया जाता है राहुल गांधी जी के लैवल के बंदियां नूं सब दे सामने आ गया ये हुण सरकार ये काले अंग्रेज़ों की सरकार ज़्यादा देर रहेगी नहीं लोग हिंदुस्तान के लोग जागते ने जागती जमीर वाले ने लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। राहुल जी की रैली का की इफेक्ट रहेगा पंजाब ते कांग्रेस पार्टी ने नैशनल लेवल से यदि मुखालफत तीनों बिलों की जारी रखी हुई है वो कड़ी के इतों बदनी तो उन्होंने मार्च शुरू करना जोड़ा 8-8 पिंडा चो होंदा होया हरियाणे विचों दी लंघेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट नूं दस्या जाएगा असी किसानां दे नाल खड़े हैं कांग्रेस पार्टी नाल खड़ी है और जदों सरकार पार्टी आएगी सब तो पहला इन कानूनों ठीक किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखना होगा राहुल गांधी वालों मोगा के पिंड बदनी कला तो शुरू होने वाला किसानों के हक च मार्च का की परिणाम निकलता है। चढ़दी कला टाइम टीवी लुधियाना तो जतेंद्र पाल सिंह छाबड़ा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी ते लेटेस्ट अपडेट पाउन लई प्रेस करो बेल आइकन।